श्री कृष्ण के पुत्र साम कितने शक्तिशाली थे? क्या वो सच में दुष्ट थे? क्या श्री कृष्ण उन्हें शत्रु की नजरों से देखते थे? कितने युद्ध लड़े थे उन्होंने? क्या साम की रहस्यमयी कहानी है? साम के जीवन से जुड़े एक एक तथ्य को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। साम के जीवन की कथा हमें देवी भगवत स्कंद 4 में मिलती है। इसके अनुसार एक समय देवी रुक्मणी के प्रद्युमन आदि गुण संपन्न पुत्रों को देखकर दीन भाव से जामवंती ने श्री कृष्ण से संतान हेतु याचना की। तब तपस्या करने का निश्चय करके वो पर्वत पर चले गए, जहां महान तपस्वी तथा शिव भक्त मुनि उपमन्यु विराजमान थे। वहां पर पुत्र अभिलाषा श्री कृष्ण ने उपमन्यु को अपना गुरु बनाकर उनसे पशुपत दीक्षा ली। श्री कृष्ण ने वहां घोर तपस्या करी और भगवान शिव के ध्यान में लीन होकर शिव मंत्र का जाप किया। तत्पश्चात छठे महीने में भगवान रुद्र उनके भक्ति भाव से प्रसन्न हो गए और श्री कृष्ण को देवी पार्वती सहित प्रत्यक्ष दर्शन दिए और श्री कृष्ण से वर मांगने को कहा। तब श्री कृष्ण ने भगवान शिव के ही समान एक पुत्र प्राप्ति का वर मांगा। तत्पश्चात जामवंती को पुत्र प्राप्त हुआ, क्योंकि भगवान शिव के अर्ध नारेश्वर रूप को साम नाम से जाना जाता है, इसीलिए जामवंती के इस पुत्र का नाम भी सांब ही रखा गया। भागवत पुराण के अनुसार सांब को कार्तिकेय जी का अवतार माना गया है। महाभारत के सभा पर्व अध्याय 4 के अनुसार प्रद्युमन, सांब, सात्यकी और अनिरुद्ध ने अर्जुन के पास रहकर धनुर्वेद की शिक्षा ली थी। अपने भाई प्रद्युमन की तरह ही उन्हें भी मायावी शक्तियों का ज्ञान था। महाभारत के सभा पर्व अध्याय 14 में श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हमारी सेना में आपके भाइयों के साथ चरुदेशन, चक्रदेव, सात्यकी, मैं, बलराम जी, सांब और प्रद्युमन, ये 7 अतिरथि वीर हैं। यहाँ श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सांब बल और पराक्रम में उनके ही समान है। वन पर्व अध्याय 120 में सात्यकी युधिष्ठिर को सांब के बारे में बताते हुए कहती है कि जामवंती नंदन सांब रणभूमि में बड़े प्राचंड पराक्रमी बन जाते हैं। उस समय उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने बचपन में ही शंभरसुर मायासुर की सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। उन्होंने युद्ध में अश्वारोही की कितनी ही सेनाओं का संहार किया था और अश्व चक्र को मार डाला था। जब शाल्व ने अपनी विशाल सेना से द्वारका पर आक्रमण कर दिया था, तो उस समय साम ने शाल्व के मंत्री तथा सेनापति क्षिण वृद्धि के साथ युद्ध किया था। साम ने क्षिण वृद्धि के माया बाण जाल को माया से ही छिन भिन कर उसको अति घायल कर युद्ध भूमि से भगा दिया था। शाल्व के क्रूर सेनापति क्षिण वृद्धि के भाग जाने पर वेगवान नावक बलवान दैत्य ने साम पर आक्रमण कर दिया था। उसे तो साम ने अपनी गदा के प्रहार से ही मार डाला था। तदंतर साम शाल्व की सेना में घुसकर उससे युद्ध करने लगे और उन्होंने शाल्व तथा उसकी सेना के संहार के लिए प्रद्युमन तथा श्री कृष्ण की सहायता की थी। जब बाणासुर ने श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध को बंदी बना लिया था, तो उस समय बलराम, श्री कृष्ण, प्रद्युमन आदि के साथ सांब ने भी लगभग 12 अक्षौणी सेना के साथ बाणासुर की राजधानी शोणितपुर पर धावा बोल दिया था और वहां सांब का बाणासुर के पुत्र के साथ युद्ध हुआ था। भगवत पुराण दशम स्कंद के अध्याय 68 के अनुसार जामवंती नंदन सांब अकेले ही बहुत बड़े बड़े वीरों पर विजय प्राप्त करने वाले थे। वो स्वयंवर में स्थित दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को हर लाए थे। इससे कौरवों को बड़ा क्रोध हुआ। वो बोले, ये बालक बहुत ढीठ है, देखो तो सही, इसने हम लोगों को नीचा दिखाकर बलपूर्वक हमारी कन्या का अपहरण कर लिया है, अतः इस ढीठ को पकड़कर बांध लो। ऐसा विचार कर कर्ण, शाल्व, भूरिश्वा और दुर्योधन आदि वीरों ने सांब को पकड़ लेने की तैयारी करी। जब महारथी साम ने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र मेरा पीछा कर रहे हैं, तब वो रणभूमि में डट गए और तुरंत अपना धनुष उठाकर कर्ण आदि 6 वीरों को, जो कि अलग अलग रथों पर सवार थे, 6 बाणों के साथ अलग अलग प्रहार किया। साम के इस अद्भुत कला को देखकर विपक्षी वीर भी उनकी प्रशंसा करने लगे। इसके बाद उन 6 वीरों ने एक साथ मिलकर साम को रथहीन कर दिया। 4 वीरों ने एक एक बाण से उसके 4 घोड़ों को मारा, एक ने सारथी को मारा तो एक ने उसका धनुष काट डाला। इस प्रकार कौरवों ने युद्ध में बड़ी कठिनाई और कष्ट से सांब को रथहीन करके बांध लिया। वो उन्हें लेकर हस्तिनापुर लौट गए। जब इसकी सूचना बलराम जी को मिली,
तो उन्होंने उस समय कुरुवंश और यादववंशियों की लड़ाई झगड़े को ठीक नहीं समझा और क्रोधित यदुवंशियों को शांत कर स्वयं रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर गए। वहां बलराम जी के क्रोध को कुरुवंशी योद्धा सहन नहीं कर पाए। एक समय पर तो उन्होंने हस्तिनापुर को ही अपने हल से खींचकर गंगा में धकेलना शुरू कर दिया। बलराम जी का ये कार्य देख दुर्योधन आदि कुरु योद्धा भयभीत हो गए और दुर्योधन ने अपनी कन्या का विवाह शाम से करा दिया। भविष्य पुराण के ब्रह्मा पर्व अध्याय 73 के अनुसार एक समय महर्षि दुर्वासा तीनों लोकों में विचरण करते हुए द्वारकापुरी में आए। आए हुए ऋषि को देख साम ने अपने रूप सौंदर्य के अभिमान वश ऋषि के अच्छे ना दिखने वाले शरीर के अंगों की नकल करना शुरू कर दिया। उनके मुख की भांति मुख बनाकर उनके देखने की भांति देखने एवं चलने की भांति चलने लगा। ये देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने साम से कहा, अपने रूप सौंदर्य के अभिमान वश तुमने मुझे विरूप देकर मेरी नकल की है, इसीलिए तुम्हें अति शीघ्र कुष्ठ रोग हो जाएगा। नारद मुनि सभी लोकों में विचरण करते रहते थे। वो भी श्री कृष्ण का दर्शन करने हेतु नित्य ही द्वारकापुरी आते रहते थे। साम महात्मा नारद का सदैव अपमान ही करते थे। ऐसे अविनय पूर्ण व्यवहार को देखकर नारद जी ने मन में सोचा कि मैं इस अवनीत को विनीत बनाऊंगा, तभी इसका कल्याण होगा। ऐसा विचार करके उन्होंने जानकर वासुदेव जी से कहा कि आपकी ये 16 जो सहस्त्र रानियां हैं साम से प्रेम करती हैं, क्योंकि इस चराचर लोक में उसके समान कोई सुंदर नहीं। नारद की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण ने मन में सोचा कि नारद की कही बात असत्य हो सकती है, परंतु श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा कि आपने जो कुछ कहा है मुझे उस पर विश्वास नहीं। नारद जी ने कहा कि मैं उसके लिए ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे कि आप उस बात पर विश्वास कर लें। तो एक समय जब श्री कृष्ण अपनी रानियों के पास थे तब नारद जी साम के पास गए और बोले कि तुम्हारे पिता तुम्हें बुला रहे हैं। नारद जी की बात सुनकर साम बिना कुछ सोचे समझे श्री कृष्ण जी के पास चला गया। उस समय साम की सुंदरता को देखकर श्री कृष्ण की पत्नियों को उसके रूप पर विकार हो गया। ऐसा देखते ही श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारे सौंदर्य पूर्व रूप को देखकर ही इन स्त्रियों के मन में विकार उत्पन्न हुआ है, अतः तुम्हारा ये सौंदर्य नष्ट होकर तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाएगा। तब साम बोलता है कि हे तात, उनके प्रति मेरे बुरे भाव नहीं है और उनमें उत्पन्न हुए विकार में मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। बिना कारण मुझे श्राप मिला है, किंतु आपने अच्छा ही किया, क्योंकि क्रोधित होकर दुर्वासा जी का दिया गया श्राप विफल नहीं जा सकता। इसके उपरांत साम प्रभास क्षेत्र में चले गए, जो सभी पापों का नष्ट करने वाला स्थान है। उस पवित्र स्थान पर पहुंचने के बाद उन्होंने बहुत कठोर तपस्या करी। भगवान सूर्य को वहीं स्थापित किया। साम ने उनकी नित्य रूप से आराधना करी। सूर्य देव ने साम की तपस्या से प्रसन्न होकर उनका कुष्ठ रोग दूर कर दिया। महाभारत के मौसल पर्व अध्याय के अनुसार एक समय महर्षि विश्वामित्र कण्व और नारद जी द्वारकापुरी गए थे। उस समय सर्ण आदि वीर साम को स्त्री के वेश में सजाकर उनके पास ले गए और उन ऋषि मुनियों से पूछा कि महर्षि, ये गर्भवती स्त्री है, कृपया आप ये बताइए कि इसके गर्भ से पुत्र जन्म लेगा या पुत्री। उन दुष्ट बालकों के ऐसे बर्ताव से महर्षि क्रोधित हो गए और बोले कि भगवान श्री कृष्ण का ये पुत्र साम एक भयंकर लोहे का मुसल उत्पन्न करेगा, जो वृष्णवी और अंधक वंश के विनाश का कारण होगा। उसी से तुम लोग बलराम और श्री कृष्ण के सिवा अपने शेष समस्त कुल का संहार कर डालोगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी यादुवंशियों पर आने वाले उस काल को पलटने की इच्छा नहीं करी। दूसरे दिन सवेरा होते ही साम ने एक मुसल को जन्म दिया। तब राजा उग्रसेन के कहने पर उस मुसल को कुटवाकर अत्यंत महीन चूरन करवा दिया गया और उनके सैनिकों ने उस लोहे के चूरन को समुद्र में फेंक दिया, परंतु चूरन के कण तट पर आकर घास के रूप में उगे। ज्यों ज्यों समय बीतता गया त्यों त्यों यदुवंशीय विनाश की ओर बढ़ते गए। एक समय सभी वृष्णवी, अंधक तथा अन्य यदुवंशी आपस में ही लड़कर मर गए और महर्षियों के श्राप से वो घास वज्र के समान भयंकर लोहे का मुसल बन गई। उन्हीं मुसलों से सबने एक दूसरे को काट डाला। श्री कृष्ण ने जब अपने पुत्र साम, चरुदेशन और प्रद्युमन को तथा अपने पोते निरुद्ध को मरा हुआ देखा, तब उनकी क्रोध अग्नि प्रज्वलित हो उठी। फिर श्री कृष्ण ने उस समय
शेष बचे हुए समस्त यदुवंशियों का संहार कर डाला था। जैसे कि कई लोक कथाओं तथा कुछ टीवी सीरियल्स में सांप को श्री कृष्ण के दुष्ट पुत्र के रूप में दिखाते हैं, महाभारत तथा कुछ पुराणों में उनका वर्णन बिल्कुल ही अलग है। सांप ने चंचलता पूर्वक कुछ गलतियां अवश्य ही करी थी, जिसका उन्हें दंड भी मिला, परंतु वो दुष्ट या बुरे स्वभाव के नहीं थे। वो अपने पिता के ही समान एक महान योद्धा थे, और श्री कृष्ण का पुत्र होकर आखिर कोई दुष्ट प्रवृत्ति का कैसे हो सकता है।